Hey guys, welcome to our channel. Welcome to another video. Hope you all are doing well and staying safe. और guys, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, as you can see. और इन्हें देख लो. तो guys, आज है संडे और आज डेट है 3 मार्च और हम लोग जा रहे हैं. वैसे तो हम एज यूजली प्यू के साथ कहीं जा नहीं सकते हैं, मतलब जा नहीं पाते हैं, जा के आ नहीं सकते. तो आज हम लेके जा रहे हैं प्यू को घुमाने और बीच में मुझे कुछ रील शूट करानी है, मतलब एथनिक वेयर के साथ कुछ राइड वाला, वो ड्राइविंग वाला कुछ, मतलब ऐसी कुछ समथिंग कराना है. तो गाइस चलो चलते हैं और प्यू को हम लेके जा रहे हैं घुमाने. अब कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं. प्यू करना हाय, करना करो हाय. कैसे हो, पूछो कैसे हो, पूछो कैसे हो. तो गाइस चलो चलते हैं ना प्यू, चले. गाइस ये बहुत एक्साइटेड रहती है, मतलब गाड़ी में घूमने के लिए, बाइक पे घूमने के लिए एट ऑल टाइम ये रेडी रहती है. भाई इसने अभी कुछ नहीं, मैं रेडी हो रही थी, इतने इसने आके अपने पापा से कपड़े चेंज कराए, मैं कहा इसके कपड़े चेंज कर दो. तो गाइस चलो चलते हैं. और आज संडे है तो गाइस आज मैं डाइट पे भी नहीं हूँ, मतलब मैं सब कुछ खा सकती हूँ आज के दिन, सिर्फ आज के दिन. तो गाइस चलो चलते हैं. क्या ऐसे क्या आग दिखा रहे हो गाइस, हाँ आज के दिन ही खा सकती हूँ. और गाइस ये मैं शूट कर रही हूँ 15 के कैमरे से और आप कमेंट करके बताना कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है. और जो मेरे प्रीवियस वीडियो है, मतलब जो कल का भी व्लॉग जो मैं आज अपलोड करूँगी, यानी कि 3 तारीख को, ये तो 4 तारीख को आएगा, जो मतलब मैं आज भी अपलोड करूँगी ना, उसकी भी कैमरा क्वालिटी देखना, वो 11 से शूट किया हुआ है. और ये वाला जो है, ये वाला जो व्लॉग है 15 से शूट किया हुआ है. तो गाइस चलो चलते हैं. सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से, मतलब अभी हमें पार्किंग में, और मतलब गाड़ी निकाल रहे हैं हम. और ये मतलब हमारे यहाँ पे ना, मतलब चौमिन वाले अंकल है, तो हमें वो दिख गए थे तो हमने उनसे चौमिन ले ली. तो गाइस चलो चलते हैं और पहले मैं रील वगैरह शूट करूंगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे. डाइट का जो प्लान था वो देखो स्टार्ट कर दिया यहीं से इन्होंने तोड़ने का. हाँ गाइस डाइट तो टूट गई. तो गाइस चलो चलते हैं, पहले मेरे को रील शूट करनी है, फिर हम प्यू को लेके जाएंगे, है ना प्यू. हाँ. दिखाना. गाइस गाड़ी ना, मतलब जिस दिन मैंने और आदित्य ने साफ करी थी उसी दिन से साफ हुई हुई है, और लेकिन साफ है. कल बारिश आ गई तो और साफ. हाँ कल बारिश आ गई थी तो और साफ हो गई थी. और कल गाइस और जगहों पे ना, मतलब हरियाणा साइड, रोहतक वोहतक साइड ना, बहुत अच्छी बारिश हुई है, मतलब ओले वोले पड़े हैं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बारिश हुई है. तो गाइस चलो चलते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आपको. ये तो देखो इनकी तो जैसे टूट ही नहीं रही है डाइट, भाई बस टेस्ट कर रहा हूँ. और गाइस मुझे आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी. तो फाइनली मैंने गाड़ी चलानी सीख ली ऑन रोड, और अब मुझे कोई फेथ नहीं है. लेकिन मुझे पहले बहुत डर लगता था गाड़ी चलाने में, लेकिन अब मुझे फाइनली गाड़ी चलानी आ गई है. ट्रैफिक में भी मैं ड्राइव कर ही रही हूँ, और ऑन रोड भी, हाईवेज पे भी मैंने गाड़ी चलाई है. तो गाइस मतलब एट ऑल द वे मुझे अच्छे से गाड़ी चलानी आ गई है. सो गाइस हम लोग आ चुके हैं पैसिफिक मॉल, NSP में जो है, नेताजी सुभाष प्लेस में. और ये और ये इन बच्चों को देखो, ये अलग ही अपने पता नहीं क्या सलाह बनाते हुए आ रहे हैं. तो गाइस चलो चलते हैं. पीहू कैसा है, पीहू अच्छा है. तो गाइस हमने लिया ही शुगर एंड स्पाइस पे से मिनी केक. तो गाइस हम पहले खा लेते हैं और फिर मिलते हैं. तो गाइस पीहू ने लिया ये चीज, दिखाना पीहू. देखो गाइस ये हमारे टाइम पे तो 10-20 रुपए की आती थी, और ये यहाँ पे दिया 100 रुपए. 10 रुपए की नहीं यार, ये 5 रुपए का वो पैकेट नहीं आता था, जो स्क्वायर बना हुआ होता था. हाँ. उसके अंदर होती थी. और गाइस एक ये लिया पीयू ने, ये दोनों 100-100 रुपए की है ना भाई. ये यार. और गाइस भैया गए कैवेंटर्स का शेक लेने, क्योंकि उन्हें पसंद है, अच्छा लगता है. हम ना जब ये कावड़ लेने गए थे सावन में, तब यहीं आते थे कैवेंटर्स का शेक पीने, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं था. तो गाइस चलो आ जाने दो उन्हें और फिर कंटिन्यू करते हैं.
मैकडी से बर्गर वगैरह लेते हैं। देखो मैकडी की केचप है ये, और इस लड़की ने ना हमें मैकडी में रुकने नहीं दिया। ये देखो अब अपने पापा के साथ गाड़ी चला रही है ये। देखो गाइस ऐसे घुमाती है ये स्टेयरिंग के, बस मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। देखो 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 इसे देखो, सीधी भी कर रही है। वो तो बस ये है कि इसके पैर नहीं पोछते, इसके पैर नहीं पोछ रहे। मुझे लग रहा है पियू 10-11 साल की गाड़ी चलाने सीख जाएगी, है ना पियू? हाँ। देखो गाइस ट्रक आ रहा है ना, देखो 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 देखो, ट्रक से निकाल ली और देखो ऐसे सामने गाड़ी आ रही है, अब निकाल लेगी। देखो ना देखो ए हाँ बा कंट्रोल कर पियो, इधर उधर नहीं करे। देखो देखो ए वाह, नन्ना को तो गाड़ी चलानी आती है ना। तो गाइस चलो हम घर पहुंच लेते हैं, मैं बर्गर वर्गर जो भी है पार्किंग में ही खड़े होके खाऊंगी। और गाइस कॉल आ रहा है, तो चलो गाइस चलते हैं, फिर मैं मिलते हूँ घर पहुंच के आप लोगों से, करती हूँ व्लॉग कंटिन्यू। और गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब सॉरी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, मतलब घर आए हुए मुझे आधा घंटा हो गया, और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और मैं खाने में बना रही हूँ छोले भटूरे, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये छोले ये मैंने दोपहर को भिगोए थे, और गाइस मैं भी बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे बनाऊँगी इसको, ठीक है। और गाइस देखो जिस तरीके से मैं छोले बना रही हूँ ना, एक बार ही आप भी बना के देखना, क्योंकि एक तो इसमें ऑयल कम लगता है सबसे पहली बात तो, और लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, और इनकी रूट्स मतलब ऊपर के भाग को निकाल के इन्हें बीच से काट के ऐसे ही डाल लिया है। और ये प्याज मैंने चॉप किया है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं है, ठीक है, मीडियम साइज़ में कट किया। और ये मिर्च डाली है मैंने अभी इसमें, बाकी है खड़े मसाले, मैं दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या खड़े मसाले डाल रही हूँ। और गाइस मैंने देखो इसमें खड़े मसाले में डाला है ये बे लीफ मतलब तेज पत्ते, बड़ी इलायची, दालचीनी, और अब मैं डालूँगी इसमें नमक, और इसके अलावा मुझे लौंग भी डालनी है इसमें। तो गाइस याद रखना आप लोग, मैं अभी नमक डाल देती हूँ, बाकी लौंग आ रही है तो मैं तब डालूँगी। यहाँ पे मैंने छोलों को रख दिया है उबलने के लिए, और ये रही मैदा, इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी है, थोड़ी सी चीनी, ठीक है, और चीनी के बाद थोड़ा सा नमक, और फिर दही। अभी मुझे इसमें दही डालनी है, दही के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल। गाइस थोड़ी डालनी है दही, मतलब ज़्यादा नहीं, बस इतनी इनफ है। दही के बाद हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। और गाइस यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के जितना इसमें रिफाइंड ऑयल डाला था, और इतना ही इनफ है। उसके बाद मैंने इसमें डाला था बेकिंग सोडा, और बस फिर डो लगाना स्टार्ट किया था। और गाइस ये है बेकिंग सोडा, और मैं इसे डाल रही हूँ, मतलब बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा यूज़ करना है। और गाइस मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लगाना है, मतलब कैसे गूंथना है ये मैदा। अब गाइस देखो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ये वाला मैदा गूंथ चुका है ऑलमोस्ट। अब जैसे ये बिना गूंथा हुआ मैदा इधर साइड है ना, ये अब ऐसे थोड़ा पानी डालना है आपको, मतलब जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे नहीं गूंथना, बस हमें इसे बांटना है एक तरीके से ऐसे, बस मतलब जैसे हम मुक्किया मारते हैं नॉर्मल आटे में वैसे नहीं करना हमें, बस इसे बांटना है। और ये ऐसी गूंथ जाएगा, मतलब जल्दी गूंथ जाएगा एज कम्पेयर जैसे हम आटा गूंथते हैं, आटे में तो टाइम लगता है, मैंने इसे बस 3 से 4 मिनट में गाइस ये गूंथ चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि ये गूंथ चुका है, लेकिन नहीं, असली स्टेप यहीं से ही शुरू होता है। 5 मिनट तक ना इसे ऐसे ही पटकना होता है, ताकि मतलब यही स्टेप है, मतलब मैंने तो ऐसे ही सीखे थे छोले भटूरे बनाना, और ये मेन स्टेप है गाइस। पटकने से ना भटूरे फूलते हैं, मतलब चीनी, और ये तो मेन ही है, मतलब हवा, हाँ मतलब इसकी नसें खुल जाती है गाइस मैदे की। तो गाइस चलो ये स्टेप पूरा करके इसे रेस्ट करवाना है 15 से 20 मिनट, और फिर उसके बाद हम लोइया बनाएंगे। लोइया भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनानी है,
और लोई बना के भी हमें 5 मिनट रेस्ट करना है, उसके बाद हमें भटूरे बेलने स्टार्ट करना है। तो गाइस चलो आगे की स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस यहाँ पे जो मैंने टमाटर डाले थे उनकी मैं स्किन निकाल रही हूँ क्योंकि ये गलेगी नहीं बिल्कुल भी, और खड़े मसाले भी मैं इसी टाइम पे निकाल दूँगी क्योंकि मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है खड़े मसाले। और गाइस अभी तक आपने नोटिस किया होगा मैंने इसमें एक बूंद भी तेल नहीं डाला है, और बस यही स्टेप है। और इसकी कुकिंग आगे तक के लिए अब आसान हो चुकी है, बस इसमें मसाले जाएंगे। और अगर आप इसमें ऑयल ऐड करना चाहते हो तो लास्ट में मैंने तड़का बनाया था वो मैं बता दूंगी आपको कि मैंने कैसे कैसे बनाया था। ये मैंने जो प्याज और टमाटर काट के डाले थे वो मैंने मैश कर लिए, और ये है पत्ती का पानी जो कि मैंने उबाला था, मतलब 2 कप पानी रखा था और उसे इतना उबाला कि ये 1 कप हो गया। तो गाइस ये भी डाल देंगे हम इसी में, और बाकी मैं आपको बताती हूँ अभी क्या क्या मसाले हमें डालने हैं इसमें। तो गाइस मसालों में मैंने इसमें डाला था धनिया पाउडर 2 चम्मच शायद, और उसके बाद मैंने इसमें डाली थी लाल मिर्च, और लाल मिर्च, और गाइस लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो कम ज़्यादा जैसे आपको सूटेबल हो जैसे आपको पसंद हो। और गाइस लाल मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया था इसमें छोले का मसाला जो आता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और गाइस इस टाइम पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे प्यू किचन में बहुत डिस्टर्ब करती है, मतलब जिस टाइम मैं खाना बनाती हूँ ना किचन में चाहे कोई और हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन जिस टाइम मैं होती हूँ ना स्पेशली वो मुझे बहुत परेशान करती है। और गाइस यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया इसको मसालों को, और फिर से मैंने अपनी गैस ऑन कर दी और मैंने बहुत अच्छे से पकाया। तो गाइस यहाँ पे मेरे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हो छोले का कलर क्या हो गया है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था बेकिंग सोडा, मतलब जो भी लिटिल बिट छोले गले नहीं होंगे ना वो इससे गल जाएंगे क्योंकि मैंने दोपहर में ही छोले भिगोने के लिए रखे थे। और गाइस अब आप चेक करो बिल्कुल छोलों का कलर मार्केट वाले छोलों के जैसा हो गया है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच अनारदाना, और उसके बाद मैंने इसमें डाला था MDH का गरम मसाला, और बस ये पूरा पैकेट मैंने डाल दिया था इसमें। और गाइस कभी भी हम गरम मसाला यूज़ करते हैं तो हमें लास्ट में डालना चाहिए, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। और गाइस गरम मसाला डालने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड करी थी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालने के बाद ना इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है गाइस, जो लोग यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा। और गाइस मैं आपको बता रही थी ना तड़के के बारे में, अगर आप लोगों को ऑयल ऐड करना हो इसमें तो आप कैसे कर सकते हो, एक तड़का पैन में ऑयल लेना और उसमें थोड़ी सी हींग डालना, हींग के बाद जीरा डालना, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, उसका कलर रेड होता है तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है, और थोड़ी सी हल्दी। मैंने यहाँ विदाउट ऑयल ही बनाए थे क्योंकि भटूरों में इतना ऑयल हो जाता और डाइट तो टूट ही गई थी हमारी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सीधा गार्निशिंग करी है हरे धनिए से। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से अदरक के लच्छे डाले थे ताकि थोड़ा बाजार वाला फील आ सके, देख लो गाइस। और हमने बस ऐसे ही इंजॉय करे थे इन्हें, हमने कोई तड़का वड़का नहीं मारा था, और ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहे थे गाइस। आप देख सकते हो मैदा कितना सॉफ्ट हो गया है, और मैदे की लोई काटने का तरीका ये होता है, ऐसे दबाने और ऐसे आपकी लोई निकल जाएगी, देखो ठीक है। और ऐसे ही हम दूसरी वाली काटेंगे ऐसे करके थोड़ा सा, और ऐसे हम ऐसे करेंगे प्रेसर लगाएंगे और ये लोई निकल जाएगी, देखो। तो गाइस चलो मैं सारी लोई काट के आपको दिखाती हूँ फिर। आटा तो ख़त्म लेकिन ये गाइस ये ही बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत अच्छे से रहते हैं 2 भटूरे बहुत हो जाए। और गाइस ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपका ऑयल कितना हीट है, मतलब तेल
गर्म होना चाहिए बहुत अच्छे से, इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें धुआं उठे, तो तभी ये रेडी होता है भटूरे बनाने के लिए। तो गाइस मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। छन्नी भी ये पकड़ लो, कर छुरी हाथ में, फटाफट देना मेरे को। गाइस ये रियलिटी में ही चीनी का ही कमाल है, और कोई टेक्निक नहीं है इसके साथ, बस आपका ऑयल हीट होना चाहिए अच्छे से और चीनी होनी चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ खाना लेके, और ये रहे हमारे छोले भटूरे, और रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दी है। कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और ट्राई करना गाइस, बहुत इजी रेसिपी है। अरे ना देखो, तो गाइस अब पहले मैं खाना खा लेती हूँ, आप मिलता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गाइस भूख लग रही है मुझे बहुत ज़ोर से।